देख रहे थे आर्थिक विकास की समझ के अंतर्गत, अब भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आज हम देखेंगे प्रश्न उत्तर जो है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। ये और प्रश्न उत्तर ये पार्ट टू है। तो इसमें जो हमने आप लोग को क्षेत्र के बारे में जो पढ़ाए थे उसके बारे में आगे देखेंगे कि प्रश्नों का उत्तर कैसे दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र के विभाजन की जो है ये अपेक्षित है कि नहीं है, इस पर व्याख्या कीजिए। जिस तरह से हमने बताया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है और उन्हें समझने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और समझने के साथ साथ ही ये सब चीज़ें जो तीनों क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर देखेंगे कि क्षेत्रकों के रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में केंद्रित करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और तो इसमें भी है, इस अध्याय को लेकर हम रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर भी केंद्रित करना चाहिए क्योंकि ये दोनों रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यही हमें विकास को सूचित करते हैं, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा और अधिक से अधिक हम उत्पादन करेंगे। फिर अगला देखेंगे जैविक के लिए जो काम करने वाले अपने आसपास की जो वयस्क हैं सभी कार्यों संबंधी सूची बनाएंगे, वे किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले कार्य की प्रकृति के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र में भी सभी आर्थिक क्रियाएं प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के द्वारा की जाती है, ये आएंगे। फिर उसके बाद दूसरे द्वितीयक क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त विभिन्न उत्पाद जो हैं जिनको कि हम विनिर्माण करते हैं वह आएंगे, जिससे कि ये होगा कि जो विनिर्माण करते हैं जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से उत्पादित हैं, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण वाले मतलब औद्योगिक क्षेत्र वाले हैं और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र वाले हैं। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे कि उन लोगों को शामिल किए जाते हैं बैंकिंग है, बीमा है, रेलवे वर्कर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरे हम उसमें देखेंगे रोजगार की दशाओं के आधार पर वर्गीकरण। अब रोजगार के आधार पर हम जैसे करेंगे तो इसमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत हम वर्गीकरण करके ये चीजें हम बता सकते हैं। फिर अगला देखेंगे औद्योगिक स्वामित्व के आधार पर। तो किसान है, सरकारी स्कूल है, वकील है, दर्जी है, धोबी है, डाकिया है, श्रमिक है, लिपिक है, ये सब चीज जो है क्या है स्वामित्व के आधार पर, मतलब ये सबके कार्य जो है क्या है अलग अलग है। लिपिक क्या करे, क्लर्क का कार्य करे, श्रमिक जो है मजदूरी का कार्य करेगा, डाकिया जो है डाक देने का काम करेगा, दर्जी जो है हमारे कपड़ा सिलने का काम करेगा, इस तरह से ये सारे सबके कार्य अलग अलग होते हैं। फिर यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र संगठित, असंगठित, तृतीयक असंगठित, मतलब इसमें हम देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर आगे देखेंगे तृतीयक क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों के विभिन्न भिन्न भिन्न कैसे जो उदाहरण है उनको दर्शाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में जो उत्पादित वस्तुओं से ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या ले जाया जाता है, ये सभी जो है तृतीयक क्षेत्रों के उदाहरण है। जैसे तृतीयक क्षेत्र में जो प्रदान करता है जिसका कि ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर देखेंगे यहाँ पर प्रचंड बेरोजगारी और फिर खुली बेरोजगारी। ये प्रचंड बेरोजगारी क्या है, ये जो है एक तरह से वह परिस्थिति ऐसी परिस्थिति होती है कि वह जो है व्यक्ति वहाँ पर काम तो करता है, काम करते हुए दिखाई देता है लेकिन उसकी आवश्यकता वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन वह वहाँ पर कार्य करता है, उसके हटा देने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह से बेरोजगारी छोटी सी दुकानों में यदि छोटे छोटे व्यवसायों में ये चीज़ें पाई जाती है और यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर खुली बेरोजगारी क्या है। खुली बेरोजगारी जो कि काम करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रचंड व गुप्त बेरोजगारी व्यक्ति का है लेकिन कवाय छुपी हुई बेरोजगारी होती है, दिखाई तो देता नहीं है लेकिन वह वास्तव में बेरोजगार होता है। फिर देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के तृतीयक क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है तो इसके लिए उसके तक समर्थन कैसे करें। किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीयक क्षेत्र की भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वही सारे कार्य की देखरेख करता है और वही पूरा संचालन करता है कि किस कार्य को कैसे करना है और कैसे कहाँ पर। यहाँ पर जो देखें कुछ सकल क्षेत्रों की जो हिस्सेदारी है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों चीजों की कितनी भागीदारी है यह हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं।
फिर भारत में सेवा क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के लोग जो नियोजित करना चाहते हैं वे लोग कौन कौन होते हैं, मतलब जो विभिन्न प्रकार के तीन जो होते हैं प्रकार के जो लोग होते हैं वे नियोजित करते हैं, इसको हम पूर्णतः कैसे उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्योंकि अभी आधुनिकीकरण के साथ साथ कई क्षेत्र में ऐसी वृद्धि हो रही है, सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि हम आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम विकास में और उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं, जिसमें कि तृतीयक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखिए असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का जो शोषण किया जाता है, आप किस प्रकार सहमत हैं कि उनके उदाहरण सहित उसको हमको समझाना है। तो उसमें हम देखेंगे जो असंगठित श्रमिक जो होता है वह संगठित ना होने के कारण उनका शोषण बहुत अधिक होता है। वेतन कम दिया जाएगा यदि उसे काम कराया, तो यदि अधिक समय तक काम करा लिया जाएगा वेतन कम दिया जाएगा, इस तरह से उनका शोषण होता है। फिर देखेंगे आगे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत इस तरह से हम कर उनको रोजगार की गतिविधियों को हम अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर कर सकते हैं कि संगठित क्षेत्र के अंतर्गत रहने से उनको सारी सुविधाएं प्राप्त होती है, छुट्टियां मिलती हैं, बहुत सारी सवैतनिक अवकाश मिलता है, भविष्य निधि मिलती है, सेवा समाप्त होने के बाद उनको पेंशन मिलता है सेवानिवृत्ति के समय। लेकिन असंगठित जो रहते हैं उनको किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती, जब तक वह काम करेगा तब तक उसे पैसे मिलेंगे, नहीं करेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे और उनका शोषण अधिक होता है। फिर संगठित और असंगठित जो परिसंपत्ति है इसको तुलना करेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में, इस क्षेत्र में सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, ये पंजीकृत नहीं होते हैं, इनमें नियम सरकारी नियमों का पालन किया जाता है, इसमें नियमों का पालन नहीं किया जाता है, इस तरह से इसमें ये अंतर पाए जाते हैं। जब हम ये अंतर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसमें रोजगार की अवधि जो है सीमित होती है, इसमें रोजगार की अवधि सीमित नहीं होती है, इसमें रोजगार की सुरक्षा होती है, इसमें सुरक्षा नहीं होती है। फिर देखेंगे राष्ट्रीय जो रोजगार योजना के अंतर्गत व्यक्ति को जो है 100 दिन का रोजगार प्राप्त होना आवश्यक है। तो देखेंगे अपने क्षेत्र में उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र गतिविधियों के कार्यों की तुलना कैसे करेंगे। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी नियमों का पालन किया जाता है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत उनका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि लाभ कमाना होता है, इस वजह से वे सिर्फ अपना सरकारी जो होता है सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है, लेकिन निजी जो होता है वह सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करता है। फिर यहाँ देखेंगे एक एक टाइटल जो है निम्न तालिका से पूछ लीजिए कि किस तरह से हम चर्चा करेंगे, जो तालिका दिया हुआ है उससे हम किस तरह से देखेंगे। तो इसमें सुव्यवस्थित प्रबंधक वाली संकट है ना, असंगठित वाली, तो इसमें ये हम जब जाएंगे सर्वे करने तो ये सारी चीजें हम संगठित कर सकते हैं। देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ऐसी चीजें हैं जिन्हें की आवश्यकता के आधार पर सभी सदस्यों की होती है, लेकिन परंतु निजी क्षेत्र जो है उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, मतलब वे उस चीज की कीमत जो है अधिक वसूल लेते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कि सरकारी समर्थन मूल्य की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि लोगों को आसानी से सामान प्राप्त हो सके और कम से कम जो निम्न वर्ग का है उस तक पहुंच जाए। फिर देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कैसे है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य के लाभ से कार्य करता है, इस वजह से गतिविधियों का संगठन जो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ इसका निर्माण जो है वह पूरे उसके सरकारी भारी व्यय करके उसको उठाती है और इस कार्य को करती है। फिर देखेंगे असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिकों को निम्न मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है या नहीं, तो इसमें देखेंगे कि मजदूरों को असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को काम करने के लिए समय निश्चित होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे कि श्रमिकों के प्रति जो है जोखिम भरे कार्य के समय में उनके संबंध में होना चाहिए, उसे सावधानियाँ होनी चाहिए, और साथ ही साथ देखेंगे स्वास्थ्य में श्रमिक जो गरीब होते हैं, स्वास्थ्य से श्रमिक जो गरीब होते हैं उनके लिए भी आहार नहीं मिल पाता, मतलब ऐसे श्रमिक जो कि कम से कम आवश्यकता की चीज़ें जो है उनको पूरी मिल सके। फिर यहाँ पर दिए हुए अहमदाबाद के भगत जो आंकड़े दिए हुए हैं वह दिया हुआ है, उसके माध्यम से हम देखेंगे निजी जो है उसमें किस तरह से उसको हम कर। तो ये अहमदाबाद के जो आंकड़े जो दिए हुए हैं नगर के जो आंकड़े हैं, इसमें संगठित असंगठित और कुल जो श्रमिक हैं उनके ये आंकड़े दिए हुए हैं।
फिर आगे हम देखेंगे कि इधर सकल घरेलू उत्पाद में जो जीडीपी है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में किस तरह से इन्होंने अपना योगदान दिया है। यहाँ पर वर्ष 1900 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र जो है वर्ष 1950 में क्या क्या अपना योगदान दिया, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में 80,000, द्वितीयक क्षेत्र ने जो है 19,000 और इसने 39,000। तो इस तरह से 2000 में भी उसी तरह से उनकी बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे उत्तर में, तो यहाँ पर उन्हें किस तरह से बढ़ोतरी हुई है तो वह चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यह जो चार्ट बना हुआ है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो ये अपना योगदान किस तरह से दिया है, ये वर्ष दिया हुआ है, इससे समझ में आ रहा है जो दंडारेख के माध्यम से समझाया गया। तो इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर हैं जो आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं और पढ़ने हैं।